अगली खबर राजधानी भोपाल से। हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक पर छेड़छाड़ के आरोप के मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मामले में जांच के लिए आदेशित कर दिया गया है। आज जांच रिपोर्ट के बाद कुछ कहना उचित रहेगा, फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। दीपक बरावी के खिलाफ कंप्लेंट मिली है, संवेदनशील मामला है। इसके बाद जब रिपोर्ट उनके हाथ में होगी उसके बाद ही वो कुछ कह सकेंगे। बयान विश्वास सारंग का आपको सुना देते हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने कहा है कि मामले में जांच के बाद ही कुछ कहना उचित होगा। मेडिकल कॉलेज के संबंध हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक के खिलाफ एक कंप्लेंट मिली है, क्योंकि एक संवेदनशील मामला है, इस पर ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा। मैंने इस विषय में जांच के आदेश दिए हैं और जैसे ही जांच की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही इस पर कुछ कहना ठीक रहेगा। गांधी मेडिकल कॉलेज के सुना चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का यह बयान। उन्होंने कहा कि मामले में जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक पर छेड़छाड़ के आरोप का यह मामला है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहना उचित होगा, फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। दीपक बरावी के खिलाफ कंप्लेंट मिली है, संवेदनशील मामला है, इसके बाद ही जांच होगी और जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। तो आप बता दें कि हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक पर छेड़छाड़ के आरोप का यह मामला, जिसमें चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जांच रिपोर्ट के बाद ही हम कुछ कह सकेंगे। और ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे, सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर? देखिए, हमीदिया अधीक्षक के खिलाफ जो नर्सों ने करीब 50 नर्सों ने एक शिकायती पत्र चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को दिया था, जिसमें कहीं ना कहीं हरेसमेंट का आरोप लगाते हुए छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। उसके बाद शिक्षा मंत्री साफ तौर पर यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने संभाग जो आयुक्त हैं गुलशन बामरा को निर्देश दिए हैं कि 10 दिन में पूरी मामले की जाँच कर रिपोर्ट सौंपी जाए, चूँकि मामला संवेदनशील है, ऐसे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन यदि शिकायत मिली है, मामला संवेदनशील है, नर्सों से जुड़ा हुआ है, तो मामले की जाँच करेंगे, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कई बार अधीक्षक को लेकर नर्सों ने कई शिकायती आवेदन पत्र भी दिए थे और अब एक साथ 50 नर्सों ने शिकायत दर्ज कराई है, अपना आवेदन पत्र चिकित्सा शिक्षा मंत्री को दिया है। तो अब देखना ये हुआ कि 10 दिन में क्या जांच होती है और किस प्रकार की जांच रिपोर्ट सबमिट होती है, उसके बाद अधीक्षक को लेकर सरकार का क्या फैसला होता है। अवंतिका, चलिए शुक्रिया सूरज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जिन्होंने बयान दिया कि जांच रिपोर्ट के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे, क्योंकि संवेदनशील मामला है, जांच इस मामले की लगातार जारी है।